हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 19 अक्टूबर। स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू से। वर्ल्ड स्टूडेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है 15 अक्टूबर को। इस दिन किस पर्सनैलिटी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सेकेंड है, फोर्थ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ पर इनोग्रेट की गई है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऊना, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश। थर्ड है, इनमें से कौन सी स्टेट में यूनियन होम मिनिस्टर ने हिंदी वर्जन लॉन्च किया है MBBS बुक्स का? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मध्य प्रदेश। फोर्थ है, इनमें से कौन सी कंट्री में 7th एडिशन ऑफ इप्सामार एक्सरसाइज स्टार्ट किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज साउथ अफ्रीका। करंट अफेयर्स देखते हैं आज के। बुकर प्राइज मिला है श्रीलंका के ऑथर हैं शिहान करुणा तिलक को, और इनकी एक फिक्शनल बुक है जिसका नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा। ये बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने। बुक किसके ऊपर बेस्ड है? एक वॉर फोटोग्राफर है जिनका मर्डर हो गया था कंट्री की सिविल वॉर के दौरान, और इनको ट्रॉफी मिली है क्वीन कंसोर्ट कैमिला से, एक सेरेमनी हुई थी लंदन में वहाँ पे। और सेकंड श्रीलंकन है जिनको ये अवार्ड मिला है आफ्टर माइकल ओदांजीत्स, और इनकी जो बुक थी उनका नाम था द इंग्लिश पेशेंट, 1992 में अवार्ड मिला था। और इस अवार्ड के ऊपर एक प्राइज मनी भी है, इसकी वैल्यू है 50,000 पाउंड। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 ये इनोग्रेट किया गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है। कहाँ पे? एट इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में। कॉन्फ्रेंस जो थी इसमें मोर देन 30,000 फार्मर्स ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा 1,500 के अराउंड एग्री स्टार्टअप्स ने भी पार्टिसिपेट किया। और इसी दौरान पीएम ने 12th इंस्टॉलमेंट जो है ऑफ अमाउंट 16,000 करोड़ रुपीज़ रिलीज की अंडर द पीएम किसान सम्मान निधि थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। इस स्कीम के अंडर एलिजिबल फार्मर फैमिलीज जो हैं उनको 6,000 रुपीज़ पर ईयर का बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। पढ़ते हैं किसान सम्मान निधि के बारे में। ये स्कीम है, ये लॉन्च की गई थी 24 फरवरी 2019 को, इसलिए फाइनेंशियल नीड्स जो हैं लैंड होल्डिंग फार्मर्स की उनको पूरा करने के लिए। जैसे इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाता है अराउंड 6,000 रुपीज़ पर ईयर, और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में ही दिया जाता है, दैट इज 2,000 पर इंस्टॉलमेंट। और ये हर एक 4 मंथ बाद जो है दिया जाता है फार्मर्स को थ्रू DBT, दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। इट मीन्स उनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। और ये स्कीम जो इनिशियली जो थी ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए लाई गई थी, ऐसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की लैंड होल्डिंग है। बट इसका स्कोप जो है बाद में बढ़ा दिया गया और सारे फार्मर्स जिनके पास भी ज़मीन है वो इंक्लूड कर दिए गए। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, और 100% फंडिंग किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नेक्स्ट है इंडियन बाइसन्स के बारे में। श्रीलंका ने रिसेंटली इंडिया को कहा है कि वो 6 इंडियन बाइसन्स जो है ट्रांसलोकेट करें इंडिया से श्रीलंका में, और ये फर्स्ट सच एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। और ये इसको अगर इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो वाइल्ड लाइफ और जूलॉजिकल डिप्लोमेसी कहा जाता है। प्रपोजल क्या है कि 6 स्पेसिमेंस जो हैं जिसमें एक बुल होगा और 3 से 5 काउज होंगी वो ट्रांसलोकेट की जाएंगी। श्रीलंकन डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजिकल गार्डन्स जो है वो कैप्टिव ब्रीडिंग करेगा, और 5 ईयर पीरियड तक ये ट्रायल चलेगा, उसके बाद प्रॉपरली इनको रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा एज पर द इंटरनेशनल मैंडेटेड गाइडलाइंस। और आप पिक्चर में देख सकते हो इंडियन बाइसन, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सटेंट बोवाइंस है ये। देन शोल्डर हाइट तक जा सकता है अप टू 220 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो पिक्चर में भी कितना बड़ा ये बुल है। देन ये कहाँ पे मिलता है? बेसिकली फॉरेस्टेड हिल्स में एंड ग्रासी एरियाज में साउथ टू साउथ ईस्ट एशिया में। 13,000 से 30,000 तक ये स्पीशीज़ जो है मिलेगी, और 85% के अराउंड स्पीशीज़ जो है इंडिया में प्रेजेंट है। इसके अलावा बर्मा, दैट इज़ म्यांमार और थाईलैंड में भी ये स्पीशीज़ पाई जाती है। वेस्टर्न घाट्स जो है सदर्न इंडिया में, वहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलेगा इस स्पीशीज़ का, खासकर वायनाड, नगरहोल, मधुमलाई, बंदीपुर कॉम्प्लेक्स में। और ये स्टेट एनिमल है गोवा का एंड बिहार का, प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 के अंडर आती है। IUCN स्टेटस अगर देखें तो वल्नरेबल कैटेगरी में है IUCN की रेड लिस्ट में, और साइट्स अपेंडिक्स में, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है ये, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कहा किया है गवर्नमेंट को कि जितनी भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनके आसपास मैंडेटरी इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए मिनिमम 1 किलोमीटर का। जैसे मान लो कि ये एक नेशनल पार्क की बाउंड्री है,
तो इसके 1 किलोमीटर के दायरे में एक इको सेंसिटिव जोन होगा। इको सेंसिटिव जोन्स क्या होते हैं? ऐसे एरियाज हैं ये जिनको नोटिफाई कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज, इट मीन्स जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनके आसपास, नेशनल पार्क्स के आसपास एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के आसपास। ये एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर्स की तरह होते हैं प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास, जहाँ पे एक्टिविटीज को मैनेज किया जाता है और रेगुलेट किया जाता है। पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। ये एरियाज जो है एक बफर की तरह एक्ट करते हैं और डेवलपमेंटल प्रेशर्स जो है वो कम करते हैं। जैसे मान लो कि ये मेन एरिया है, ये मेन एरिया और इसके आसपास जो है इको सेंसिटिव जोन बना दिया गया है। मेन एरिया जो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस रहती है, स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस रहती है, बट इको सेंसिटिव जोन्स में कंपैरेटिवली कम रिस्ट्रिक्शन होती है और ये बफर की तरह काम करते हैं। और ट्रांजिशन जोन होते हैं एक तरह से हाई प्रोटेक्शन एरिया और लेसर प्रोटेक्शन एरियाज के बीच में। और रेंज अगर इसकी बात करें तो जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स हैं, उनको इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज क्लियर किया गया अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इको सेंसिटिव जोन की जो रेंज है वो 10 किलोमीटर तक भी जा सकती है। अब तीन तरह की एक्टिविटीज़ हैं इसमें, प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़, रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ एंड परमिटेड एक्टिविटीज़। इको सेंसिटिव जोन में प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? जैसे कि इंडस्ट्रीज नहीं आप लगा सकते हो वहाँ पे, ऐसी इंडस्ट्री जो पोल्यूशन कोज करती हैं, जैसे कि कमर्शियल माइनिंग होगी, सॉ मिल्स हो गए, मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, कमर्शियल यूज़ हो गया वुड का, टूरिज्म हो गया, ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे प्रोहिबिटेड हैं। रेगुलेटेड कौन सी हैं? इट मीन्स परमिटेड है वो, बट गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करेगी। जैसे कि पेड़ों को गिराना, होटल्स इस्टेब्लिश करना, रिजॉर्ट्स इस्टेब्लिश करना, कमर्शियल यूज़ करना नेचुरल वाटर का, इलेक्ट्रिकल केबल्स जो हैं वो इरेक्ट करना, देन एग्रीकल्चरल सिस्टम में अगर कोई ड्रास्टिक चेंज लेकर आना, जैसे कि हैवी टेक्नोलॉजी यूज़ करना एग्रीकल्चर में, पेस्टिसाइड यूज़ करना, सड़कों को वाइड करना। परमिटेड एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? जैसे कि कोई एग्रीकल्चरल या हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस करनी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना है कोई प्लांट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करना, ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिससे इन्वायरमेंट को ख़तरा नहीं है। तो ये परमिटेड एक्टिविटीज़ की जो कैटेगरी में एक्टिविटीज़ हैं ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने रिसेंटली कहा है कि इंडिया जो है फिश प्रोडक्शन में वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है और सेकेंड लार्जेस्ट एक्वा कल्चर नेशन है वर्ल्ड का आफ्टर चाइना। तो याद रखना, एक्वा कल्चर में सेकेंड नंबर पे, फिशरीज में थर्ड नंबर पे। एक्वा कल्चर में सारे मरीन एनिमल्स आ जाते हैं। रिसेंट पास्ट में इंडियन फिशरीज जो है उसमें शिफ्ट देखा गया है मरीन डोमिनेटेड फिशरीज से इनलैंड फिशरीज के ऊपर। इट मीन्स पहले मरीन फिशरीज का ट्रेंड होता था, अब इनलैंड फिशरीज का ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। और इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 36% होता था ये 1980 में, और 70% हो चुका है इनलैंड फिशरीज का इन रिसेंट पास्ट। और एक स्कीम गवर्नमेंट लेकर आई थी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, बड़ी इंपॉर्टेंट ये स्कीम है। स्कीम का विजन क्या था कि ब्लू रेवोल्यूशन लेकर आना थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर। मेन मोटो क्या था इसका? रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म इन द फिशरीज सेक्टर। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये अम्ब्रेला स्कीम है और दो सेपरेट कंपोनेंट्स हैं इसके, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है इसके अंडर, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और इनका मेन मोटिव क्या है कि फिशरीज सेक्टर को सस्टेनेबली डेवलप करना ताकि इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जो है वहाँ पे बढ़ सकें। नेक्स्ट है ओमिक्रॉन स्पान। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने रिसेंटली डिटेक्ट किया है फर्स्ट केस ऑफ ओमिक्रॉन सब वेरियंट BF.7 इन इंडिया। और ये जो वेरिएंट है ये सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन वेरिएंट का, और ये फर्स्ट डिटेक्ट किया गया है नॉर्थ वेस्ट चाइना के इनर मंगोलिया ऑटोनोमस रीजन में, ऑल्सो नोन एज ओमिक्रॉन स्पॉन। और न्यू वेरिएंट जो है बहुत जल्दी फैल रहा है ये, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड बेल्जियम जैसी कंट्रीज में। और सब वेरियंट जो है ये, हालांकि वैक्सीन हमें लग चुकी है बट जो इम्यूनिटी हमें वैक्सीन के थ्रू मिली है उसको इन्वेड करने में ये सक्सेसफुल रहा है। तो ये पेरेंटल स्ट्रेन से काफ़ी खतरनाक है और जिन लोगों को कोविड वैक्सीन भी मिल गई है उन लोगों में भी ये डिजीज़ पाई गई है, ये वेरिएंट जो है पाया गया है। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रेट रेक। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रेलवेज अश्विनी वैष्णव ने इनोग्रेट किया इंडियाज़ का फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रेट रेक 61। इसका पूरा नाम है बॉब नेल्सन 1। कहाँ पे? भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन ओडिशा में। अब क्या होता है कि जो रेल कार्स होती हैं उनको फ्रेट रेक्स कहा जाता है, जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है, और ये एलुमिनियम का बना हुआ। पहले यूज़ होते थे स्टील के रेक्स, अब ये एलुमिनियम का इंट्रोड्यूस किया गया है जिसकी कैपेसिटी जो है 180 टन ज़्यादा है
एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल स्टील रेक्स। और ये स्टील रेक से 180 टन हल्का भी है, और इससे क्या होगा कि जो फ्यूल कंजम्पशन है वो कम होगी। और इसको डेवलप किसने किया, इंडिजिनसली डेवलप किया है इन कोलेबोरेशन विद RDSO, हिंडाल्को एंड बेस्को वैगन ने। सिंगल रेक जो है ये इसमें क्षमता है कि 40,500 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है अपनी पूरी लाइफ टाइम में ही ये कम कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं वाइजर प्रोग्राम। फर्स्ट 11 अवार्डीज जो हैं वो वुमेन इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च, दैट इज वाइजर प्रोग्राम, इनको फेलिसिटेट किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ जर्मन एम्बेसडर टू इंडिया एंड भूटान एंड द वाइस चांसलर ऑफ द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। 10 वीमेन रिसर्चर हैं इंडिया से और 1 रिसर्चर जो है जर्मनी से हैं, जो कि रेगुलर और लॉन्ग टर्म रिसर्च पोजिशन होल्डर हैं अकेडमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्री में। और ये जो अवार्डीज हैं इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी एंड कोलेबोरेट कर पाएंगे इन ऑनगोइंग R&D एंड इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा इनको किसी फ्रेश प्रोजेक्ट में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसी स्कीम के थ्रू पार्टनरिंग कंट्रीज़ के साथ ये पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वाइजर प्रोग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं। वाइजर स्टैंड्स फॉर वीमेंस इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। ये लॉन्च किया गया था नवंबर 26, 2021 में। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोग्राम है ये। इसका लॉन्च करने का मेन मकसद क्या था कि वीमेंस को प्रमोट करना इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाई लेटरल एंट्री। और इसको लॉन्च किया गया था बाई इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। और वीमेन रिसर्चर्स को इंकरेज करना, उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ाना R&D प्रोजेक्ट्स में, ये जॉइंट इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया एंड फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ऑफ जर्मनी का। ये प्रोग्राम जो है वीमेन साइंटिस्ट को सपोर्ट करता है जो रेगुलर लॉन्ग टर्म रिसर्च पोजिशन होल्ड की हुई हैं जिन्होंने अकेडमिया और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में या किसी इंडस्ट्री में, और लेटरल एंट्री है एक तरह से वीमेंस की। इसमें किसी भी तरह का ब्रेक नहीं है करियर में और कोई एज लिमिट नहीं है, और इजी पार्टिसिपेशन जो है इसमें इनेबल की जाती है ताकि इजीली जो है वीमेंस पार्टिसिपेट कर सकें। नेक्स्ट है भविष्य पोर्टल। यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने लॉन्च किया सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल। इसका एम क्या है, ईज ऑफ लिविंग बढ़ाना सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स की। और ये डेवलप किया गया है इन कोलेबोरेशन विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स के लिए, ऐसे लोग जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन देती है। अब जितनी भी पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स हैं, जो बैंक्स पेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब गवर्नमेंट से, उनको इंटीग्रेट किया गया है भविष्य पोर्टल के साथ। भविष्य क्या है, एक ऐसा पोर्टल है जिसमें पेंशन पेमेंट एंड ट्रैकिंग सिस्टम है, और इसको इंटीग्रेट किया गया है पेंशन सेवा पोर्टल ऑफ SBI के साथ। इससे क्या होगा कि जो पेंशनर्स हैं वो जितनी भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी, सर्विसेज मिल पाएगी एक ही जगह पे सिंगल लॉगिन के साथ। और जब सारे फेसिस इसके कंप्लीट हो जाएंगे तो रिटायरीज जो हैं वो चूज़ कर पाएंगे बैंक और ब्रांच अपने हिसाब से, और एक ऑनलाइन पेंशन अकाउंट ओपन करवा पाएंगे, वो मंथली पेंशन स्लिप जो है उसको चेक कर पाएंगे, फॉर्म 16 चेक कर पाएंगे। इसके अलावा लाइफ सर्टिफिकेट्स जो हैं इनके, उनका स्टेटस चेक कर पाएंगे इस पोर्टल के थ्रू। देन भविष्य प्लेटफॉर्म जो है मैंडेटरी कर दिया गया था ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सिंस 1 जनवरी 2017। और इसी मौके पे अनुभव अवार्ड्स भी दिए गए थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कन्फर किए अनुभव अवार्ड्स। 15 अवार्डीज थे इसमें, और ये 3 साल के जो है कोविड की वजह से नहीं दिए जा रहे थे, अब 3ों साल के इकट्ठे दिए गए हैं। अनुभव पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया था बाई डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर एट द बिहेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2015। पोर्टल जो है एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है रिटायरिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि वो अपने एक्सपीरियंसिस जो हैं वर्किंग के वो शेयर कर सकें और सजेशन दे सकें कि कैसे गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। अनुभव अवार्ड सेरेमनी जो है ये स्टार्ट की गई थी 2016 से, एनुअल फीचर है। इसमें रिटायरिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इंकरेज किया जाता है ताकि वो अपने एक्सपीरियंसिस जो हैं वो शेयर कर सकें। ये कुछ MCQs हैं लास्ट सेशन से, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपका कोई भी डाउट आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इस PPT की PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।